हेलो फ्रेंड्स मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो जैसे कि फ्रेंड्स लोग आप लोग जान गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या आर पी एफ पेंसलरी टू आप लोगों ने आपके एग्जाम से संबंधित जो आर लगवाए थे कि सर हमारा आर लगा दीजिए हमको जानना है अपने मार्क्स कट ऑफ मेरिट लिस्ट वगैरह वगैरह बहुत सी आप लोगों की क्वेरी है तो दोस्तों लगातार मैं आप लोगों को वीडियो बना के प्रोवाइड कराता हूं। जिन, -जिन कर रिप्लाई आ जाता है लास्ट वीक में भी मैंने आपको एक वीडियो बना के प्रोवाइड कराई थी बट जो कैंडिडेट रह गए थे आज मैं उनके नाम यहाँ पे बताने वाला हूँ और उन्होंने जो जो पूछा था क्या रिप्लाई आया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ और यदि आप भी चाहते हैं कि सर मेरा भी आई लगा दीजिए तो आप जाइए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर आपको लिंक दिख रही होगी क्या आर पी आर टी आई रजिस्ट्रेशन लिंक आपको उस पर क्लिक करके पेमेंट कर देनी है आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर फिल कर देनी है आपका आरटीआई बाकायदा लगा दिया जाएगा और जैसे ही उसका रिप्लाई आएगा तो वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा ओके चाहे तो आप इसके लिए एक वीडियो देख सकते हैं जो कि आपको इसी वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगी एंड स्क्रीन में या फिर आप चाहे तो इसी वीडियो के कॉर्नर में देख रहा होगा क्या आई बटन का साइन उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे आखिरकार वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनके आईटीआई का रिप्लाई आ गया है और क्या आया है वो देखते हैं ओके चलिए बढ़ते हैं आगे तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ किसकी दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले यहाँ पर जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था जिन्होंने आर आई लगवाया था नाम है सुनील कुमार भाई क्या एक बार रिजेक्ट होकर आ गया था किसी कारणवश लेकिन मैंने फिर से लगाया और फिर से इनके आर टी का रिप्लाई आ गया चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर्सन का आखिर कौन है तो दोस्तों बात करते हैं अगले पर्सन की तो यहाँ पर नाम निकल के आता है किसका दोस्तों आप देख सकते हैं अजय सिंह भाई ने बहुत लंबे टाइम पहले रजिस्टर करवाया था करीबन एक महीने पहले लेकिन क्या मालूम क्या प्रॉब्लम के चलते हैं? इनका जो आर आई था वो फिल नहीं हो रहा था मैंने बार बार ट्राई किया दसों बार ट्राई किया बट हुआ नहीं लेकिन अंततः इनका जो आर आई है वो फिल हो गया और उसका रिप्लाई दिया गया तो अजय जी आप भी अपने आर टी आई की रिप्लाई देखिए आखिरकार आपने क्या क्या पूछा था और क्या क्या उसका रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर्सन को दोस्तों इसी प्रकार से नाम निकल के आता है क्या अभय द्वेदी अभय द्वेदी जी ने भी आर लगवाया था कि सर मेरा आर लगा दीजिए मेरे को भी अपनी हर एक डिटेल्स जाननी है तो दोस्तों यहाँ पर हम अभय द्विबेदी जी का आर टी रिप्लाई भी देखने वाले हैं ओके चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट को तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नेक्स्ट पर्सन है क्या रिंकू कुमार मीना रिंकू कुमार मीना जी आपके आईटीआई का रिप्लाई भी बाकायदा आ गया है अभी मैं आपको बताने वाला हूं हम डिस्कस करने वाले हैं तो दोस्तों अभी फिलहाल में हम इतने कैंडिडेट को ले रहे हैं यदि टाइम बचेगा वीडियो में तो हम और भी कैंडिडेट का डिस्कस करेंगे चलिए देखते हैं फटाफट आखिरकार क्या है लोगों के आर आई का रिप्लाई तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हम आगे यहाँ पर आर टी आई की रिप्लाई पे और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे भाई सुनील कुमार थे तो दोस्तों आप सुनील जी यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपका नाम यहाँ पे डला है एड्रेस वगैरह सारी चीजें दी हैं इन्फॉर्मेशन श्रू टेंडर आर टी एक्ट टू थाउजेंड फाइव यहाँ पर आपका जो दिया है ऑनलाइन अप्लीकेशन नंबर सारी चीज यहाँ पर मैंशन की गई है अब जैसे हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो आपको यहां पर रिप्लाई में दिख रहा होगा विद रेफरेंस टू ये थ्रू आर टी आई एक्ट टू थाउजेंड फाइव वाइडर एप्लीकेशन अंडर रेफरेंस द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड हेयर अंडर तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ आप पर दिए गए हैं यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इसका रिप्लाई आया है आपका क्या रिकॉर्ड यू आर सी बी टी एग्जामिनेशन मार्क्स रो मार्क्स एंड आपका रो मार्क्स वाच कितना है ट्वेंटी दोस्तों आपका जो सी हुआ था सुनील जी मतलब कि कंप्यूटर वेस्ट टेस्ट हुआ था उसमें आपको मात्र बाईस मार्क्स मिले हैं इसके बाद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ट्वेंटी टू फाइव तो दोस्तों आपके यहाँ पर एक नंबर भी नहीं बढ़ा कुछ आपके पॉइंट में ही बढ़े हैं मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड टीटी मार्क्स बास ट्वेल्व आपको टेस्ट में यहाँ पर बारह नंबर मिले कुछ ज्यादा आपको मार्क्स यहाँ पर नहीं मिले ओके तो आपके जिस सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन का और इसके साथ मार्क्स कितने ये आपका फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में मैं था जिसका जवाब आपको मिल गया है अब आप आपका थर्ड क्वेश्चन है क्या एस पर रिकॉर्ड यू आर नॉट क्वालिफाइड इन टे टेस्ट तो दोस्तों आप यहाँ पर बोले गया है कि आप टे टेस्ट में क्वालिफाई नहीं हुए है हाउ एवर रिप्लाई टू द क्वेरी लाइक बाय आई एम नॉट यहाँ पे बोला है सिलेक्टेड गिव द रीजन डज नॉट इंक्लूड इन आर टी आई एक्ट तो आपने शायद यहां से क्वेश्चन पूछा होगा कि सर किस वजह से मेरे को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया गया मैं क्वालिफाई नहीं हुआ क्या रीजन है तो यहाँ पर बोला गया है कि ये सारी चीजें आरटीआई एक्ट के तहत नहीं आती बट आपका जो टी टी है वो डिसक्वालीफाइड हो गया है आपको यहाँ पर बारह मार्क्स मिले हैं ट्वेल्व ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन है क्या आपका द फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ फॉर कॉन्स्टेबल एंसलरी ग्रुप सी इज तो यहाँ पर आपकी जो सीट दी गई है कितना है कट ऑफ वो आपको दिखाने वाला हूं यहाँ पर सारा का सारा मेंशन किया गया है ओके चलिए इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्या आपका फाइव दोस्तों आपने जो क्वेश्चन पूछा रहा होगा वो यहाँ पर आपसे नहीं साझा कर सकते आरटीआई एक्ट में यहाँ पर वर्णन है मतलब की आर टी आई एक्ट के तहत नहीं आता अब आपको याद होगा आपने क्या क्वेश्चन रखा था क्या क्वेश्चन आपने पूछा था तो आई थिंक आपके सारे, सारे के सारे क्वेश्चन के रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल गए है आपका रहा क्वेश्चन नंबर फोर जो कि आपने कट ऑफ आप से संबंधित पूछा था कि कितना का है ग्रुप सी का तो चलिए वो सीट यहाँ पर उन्होंने दी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो आप यहाँ पे सुनिल जी देख पा रहे हो और सभी दोस्त भी देख लें कि ग्रुप सी का कट ऑफ जैसे कि बाटर कैरियर का यू का फिफ्टी थ्री ओ बी सी का फोर्टी फोर आपका एस सी का फिफ्टी थ्री एस टी का फोर्टी सिक्स और आपका जो एक्स सर्विस मैन का फोर्टी यू आर का यहाँ पे गर्ल्स में आ जाता है फिफ्टी अगर आपका ओबीसी का 46, एससी का 47 और एसटी का 48 ये सारी चीजें हैं बाटा कैरियर के लिए ओके इसी प्रकार से आप सफाई वाला में भी देख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं बार बार का देख सकते हैं कोबलर का देख सकते हैं तो दोस्तों चलिए मैंने यहाँ पर हर एक चीज डिस्कस कर दी है आप हम देखते हैं नेक्स्ट पर्सन का तो हम आ गए अगली स्लाइड में वो नाम निकल के आता है किसका अजय सिंह तो आजा जी आप भी देख सकते हैं आपके आई टी का रिप्लाई भी बाकायदा आ गया है सारा का सारा एड्रेस है सारी चीजें आप पढ़ लेना मैं डायरेक्टली आपको यहाँ आप पर बताने वाला हूँ कि आपके रिप्लाई में क्या आया है तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा कि आपका सीबीटी का मार्क्स कितना है आपका टीटी -टी टे टेस्ट का मार्क्स कितना है या फिर आपका नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स कितना है ये सारा का सारा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में मेंशन किया था तो आप यहाँ पे देखिए आज पर रिकॉर्ड यू आस सी बी टी एग्जामिनेशन मार्क्स यहाँ पर रो मार्क्स बाज थर्टी टू पॉइंट थर्टी थ्री मतलब कि आपके बेहद अच्छे मार्क्स थे सीबीटी में आपके कंप्यूटर वेस्ड टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर थे थर्टी टू पॉइंट थर्टी थ्री एंड नॉर्मलाइज मार्क्स बास थर्टी टू पॉइंट थर्टी थ्री ओके तो आपका यहाँ पर जस का तस रहा आपका एक भी मार्क्स ना बड़ा न घटा इसके बाद आपका आता है ट्रेड टेस्ट या टीटी का नंबर कितना है दोस्तों तो आप यहाँ पे जी देख सकते हैं मात्र आपको छ नंबर मिले हैं आपके टीटी में ट्रेड टेस्ट में जो कि आपका आई थिंक फोर्टी मार्क्स का था फोर्टी में से आपको सिक्स मार्क्स वाली मिला है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या था अश रिकॉर्ड रिकॉर्ड यू आर नॉट क्वालिफाइड इन टीटी मतलब कि आपके टेस्ट में रिकॉर्ड के अनुसार पास नहीं है डिसक्वालिफाइड है हाउवे रिप्लाई टू द क्वेरी लाइक बाय वन नॉट कॉल फॉर मेडिकल रीजन डज नॉट इंक्लूड इन आर टी आई एक्ट मतलब कि आपको मेडिकल के लिए क्यों नहीं बुलाया गया आपने शायद ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा तो यहाँ पे बोला है कि इस एक्ट के तहत नहीं आता आरटीआई एक्ट के तहत इसलिए हम आपको बता नहीं सकते अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर थ्री आज पार रिकॉर्ड यू आर नॉट क्वालिफाइड इन टी टी हे नॉट सेलेक्टेड आपने शायद जे पूछा था कि मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ हूं तो आपका यहाँ पे बोला गया है कि आप टी टी में डिस्कालीफाइड है टे टेस्ट में इसी वजह से आपको यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया गया ओके तो अजय जी आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे आई थिंक अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर दें चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर्सन का तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हम आगे हैं अगली स्लाइड में और नाम निकल के आता है किसका रिंकू कुमार मीणा तो यहाँ पर आप रिंकू जी देखिए आपके आईटीआई का रिप्लाई भी बाकायदा आ गया है जो जो आपने पूछा था सारे के सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये सारी चीजें हैं जो कि आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आंसर बताता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए आपका आज पर रिकॉर्ड यूर सी एग्जामिनेशन मार्क्स रो मार्क्स वाश ट्वेंटी फोर पॉइंट ट्वेंटी थ्री मतलब कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ था लिखित एग्जाम उसमें आपको चौबीस दशमलव तैतीस नंबर मिले हैं एंड नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वाश ट्वेंटी सिक्स प्वाइंट सिक्सटीन एंड टी टी मार्क्स वाश ट्वेंटी फाइव तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर छब्बीस सोलह हो गए दो नंबर आपके बढ़ गए और आपका जो टेस्ट हुआ था उसमें आपको पच्चीस नंबर मिले हैं आपको अच्छे नंबर मिले थे आपके टीटी -टी में तो अच्छी बात है चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या रहा रिप्लाई टू द क्वेरी लाइक बाय वन नॉट कॉल इट फॉर मेडिकल रीजन डज नॉट इंक्लूड इन आर एक्ट तो आपको शायद बोला गया है कि आपको क्यों नहीं बुलाया है किस में आपके मेडिकल के लिए एक क्वेश्चन रहा होगा तो यहाँ पे बोला है कि यह है, आपके आर टी एक्ट के तहत नहीं आता मैं आपको यहाँ पर रीजन नहीं बता सकता नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या आज पर रिकॉर्ड योर टोटल मार्क्स बाज लेस देन फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ फॉर कॉन्स्टेबल एंसलरी ग्रुप एफ हैंस योर नंबर्ज नॉट इंक्लूड इन फाइनल मेरिट लिस्ट सेलेक्ट पेनल तो इसका साफ साफ मतलब है क्या रिंकू जी कि आपका जो कट ऑफ है वो बहुत कम रहा है आपके फाइनल कट ऑफ से इसी वजह से आपको ग्रुप ऐप का जो कट ऑफ गया है उसमें सेलेक्ट नहीं किया गया आपको नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं बुलाया ओके तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट पर्सन का तो देखिए दोस्तों आ गए हम अगली स्लाइड में और लास्ट पर्सन जो कि है क्या अभय द्विवेदी अभय जी आप यहाँ पे देखिए आपके सारे के सारे आईटीआई के रिप्लाई आपको देखने को मिलेंगे आप यहाँ पे देखिएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज पर रिकॉर्ड यूर सीबीटी एग्जामिनेशन मार्क्स वाज रो मार्क्स वाज ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वाज ट्वेंटी फाइव पॉइंट ट्वेंटी और आपका यहाँ पे टी टी मार्क्स वाज यहाँ पे ट्वेंटी टू सी बी टी में आपको नंबर मिले हैं पच्चीस दशमलव तैतीस नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स रह गए हैं पच्चीस दशमलव बीस और आपका टेस्ट का मार्क्स है बाईस अब आपका सेकंड क्वेश्चन आज पर रिकॉर्ड योर टोटल मेरिट लिस्ट कट ऑफ फॉर कॉन्स्टेबल एंसलरी ग्रुप एस योर मेरिट लिस्ट सिलेक्ट पैनल तो आपका जो फाइनल कट ऑफ है आपका कट ऑफ मतलब कि आपकी जो मार्क्स हैं वो फाइनल कट ऑफ से कम है इसीलिए आपका ग्रुप ए में सिलेक्शन नहीं हुआ है ओके अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या आपने शायद पूछा होगा कि मेरिट लिस्ट आएगी कि नहीं आप जैसे बहुत से कैंडिडेट का कहना है कि सर मेरिट लिस्ट आएगी कि नहीं तो आप लोग अच्छे से देखिए अब आप आपको जवाब मिल रहा है ऑफिशियली ए ऑफिशियली आपका जवाब है ऊपर से आया है क्या बोला है मेरिट लिस्ट के ऊपर तो दोस्तों यहाँ पे बोला है देर इज नो प्रोविजन ऑफ बेटिंग लिस्ट या फिर मेरिट लिस्ट वेटिंग लिस्ट जैसे कि बहुत से कैंडिडेट ने बोला था कि सर नेक्स्ट बेटिंग लिस्ट आएगी क्या मेरिट लिस्ट आएगी तो आपको यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स यही है देर इज नो प्रोविजन ऑफ लिस्ट फॉर एंसलरी इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आपको नंबर कॉन्स्टेबल एंसलरी यहाँ पे आरपीएफ टू थाउजेंड एटीन नो मेरिट लिस्ट इज बींग आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्ट पैनल अब आप आपका यहाँ पे साफ कर दिया गया है कि आपकी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली ऐसा यहां पे बोला है ओके तो दोस्तों आई थिंक आपको हर एक चीज का रिप्लाई मिल गया है अभी भी आपके मन में कोई डाउट से तो आप बेझिझक करें ओके तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा टेक केयर लव यू ऑल जय हिंद जय जै भारत और जो कैंडिडेट चाहता है कि सर आर टी लगा दीजिए तो वो लगा सकता है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहाँ पर आपको वीडियो शो हो रही होगी उसको देखकर आरटीआई लगा देना ओके Take care.